हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की आपके लिए मैं इस तरह की ब्लर जो है कलरफुल फ़ोटो एडिटिंग लाया हूँ। आप किसी भी कलर में इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, तो इसे करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको कुछ जो है स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको इस इमेज को शेयर कर देना है पिक्सआर्ट ऐप में। तो चलिए, हमने पिक्सआर्ट में जो है फ़ोटो को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका कलर जो है चेंज करना है। कलर चेंज करने में वो ट्रिक जो है पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करना है। इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कलर ढूंढना है, और कलर पर क्लिक करने के बाद आपको कलर रिप्लेस पर क्लिक करना है। और फिर आपको क्या करना है, आपके बैकग्राउंड वाला जो है कलर सिलेक्ट करना है। देखिए, हम कर लेते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आप देख रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज हो चुका है। तो इस सबसे पहले आपको ह्यू रिप्लेस का जो है ऑप्शन मिलेगा। आपको जैसा भी जो है बैकग्राउंड का कलर रखना है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ बहुत सारे कलर हैं, तो हमें जो अच्छा लगेगा हम वो कर लेंगे। तो चलिए, हमने ये वाला कलर जो है रख लिया है। इसके बाद आपको इस तरह से जो है देख लेना है अच्छे से। अगर आपके फेस पर आ रहा है, तो आपको मिनी ह्यू की मदद से उसे ठीक कर लेना है। तो चलिए, हमारी जो है फ़ोटो का कलर चेंज हो चुका है। फिर आपको डन कर देना, फिर आपको इस फोटो को सेव कर देना है। फ़ोटो को सेव करने के बाद जो है आपको आफ्टर फोकस नाम का एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, फ्री है। उसके लोगों पर AF लिखा होगा, आपको वो वाला ही डाउनलोड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें कैसे आपको जो है बैकग्राउंड को ब्लर करना है। कलर तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। चलिए, ये रही हमारी फ़ोटो जो हमने जो है एडिट की थी। आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला AF आफ्टर फोकस, तो हम इस पर चले जाते हैं। तो चलिए, इस पर जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर जो है इस तरह से आपको मॉडल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए, हम जो है इससे नीचे जो है ब्लर नहीं चाहते, तो हमें इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है बैकग्राउंड पर, और इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड को पकड़ लेगा। तो आपका इस तरह से जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको इस तरह से जो है अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए, इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपकी बैकग्राउंड भी ब्लर हो चुका है। अगर आपको और ब्लर करना है, तो आप इसको जो है फुल कर दीजिए। आपको ब्लर पर क्लिक करना है, और ब्लर वाली जो है लाइन को फुल कर देना। तो चलिए, हमारे बैकग्राउंड में जो है फुल ब्लर हो चुका है। इसके बाद जो आप यहाँ पर जाकर आपको यहाँ बुके पर क्लिक करना है, और इस तरह से जो है आप बुके इफ़ेक्ट भी दे सकते हो। और फिर आपको फ़ोटो को सेव कर देना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। ओके, बाय।